ओम शांति। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइफ विद इन में। और आज हम कर रहे हैं 18 मार्च के ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग, जहाँ पे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हमें जो शक्तियाँ हैं, जैसे परमात्मा में सारी शक्तियाँ हैं, उनको सारे ड्रामा के बारे में पता है, उनको सब कुछ पता है कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो साक्षी होकर के देख रहे हैं ऊपर से। उनको पता है सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया है, हम बच्चों को शक्तियाँ दे दी हैं कि हम भी इस सारी दुनिया में जो जो नाटक हो रहे हैं उसको हम साक्षी होकर के देख पाएँ, और हम क्यों क्या में ना हैं और हमारे अंदर शक्तियां हो ताकि हम फेस कर पाएँ, सिचुएशन को टॉलरेट कर पाएँ, सहन कर पाएँ, कोई भी चीज़ हो हमारे सामने आए, तो चाहे वो दुनिया के तौर से आए, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में आए, तो वो शक्तियां हमें परमात्मा ने दी हुई हैं, जो कि इस ज्ञान से आती हैं जो कि हम ब्रह्म कुमारी इसमें सीखते हैं 7 डेज के कोर्स में। तो सर्वशक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। विस्तार में चलते हैं। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, परमात्मा है सर्वशक्तिवान क्योंकि उनके अंदर सारा ज्ञान है। जब वो ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफर कर देते हैं कि नाटक में, इस नाटक शाला में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ था और क्या क्या हुआ होगा अब, तो हमारे अंदर भी सारी शक्तियाँ आती हैं कि हमें उस समय कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करने हैं। तो शक्तियाँ आ जाती हैं हमारे अंदर ताकि हम कोई बुरा कर्म ना कर दें। तो परमात्मा कहते हैं उतना ये सर्वशक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी जितना हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट करेंगे। तो ये एक एफर्मेशन हो गया, स्वमान हो गया। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं। मैंने सोचा हाथ उठाना है, बॉटल उठानी है, पानी पीना है, तो यहाँ चला, ग्लास उठाया, पानी भरा, पानी पी लिया। तो ये क्या हो गया, स्थूल कर्मेंद्रियाँ होंगी जिसको हमने ऑर्डर में चलाना सीख लिया, बचपन से सीखते हैं और फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुख से बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथ पैर चलाने की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं, सूक्ष्म में क्या हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया, संस्कार, वो तो कोई फिजिकल तो है नहीं जिनको हमें हाथ से चलाना हो। तो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ कहते हैं, मन को चलाना, बुद्धि से निर्णय करना और संस्कार जो है, हैबिट्स जो क्रिएट करते हैं हम, तो अब कहते हैं ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अगर सहन करने की शक्ति आ गई, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो सहन करने की शक्ति आ गई, कोई सिचुएशन आई तो सामना करने की शक्ति आ गई, परखने की शक्ति आ गई, फिर निर्णय क्या करना है इस सिचुएशन में वो शक्ति आ गई। तो वो नॉलेज के हिसाब से अगर हम ये शक्तियों को अगर हम यूज़ करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे इनको, जैसे हम हाथ उठा लिया, मुंह से बोल लिया, तो उन्हीं चीज़ों को स्पिरिचुअल शक्तियों को यूज़ करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। हम कोई विकर्म नहीं, कोई पाप कर्म नहीं कर बैठेंगे। तो ये ईश्वरीय वरदान है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ती है शक्तियों को और शार्पन करने के लिए, तो उसके लिए आपको 7 दिन का ब्रह्म कुमारी इसका ईश्वरीय ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये 8 शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। आज के ईश्वरीय वरदान, इसके साथ ओम शांति।